हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। इसके बारे में बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर यानी पांचवें सेमेस्टर बीकॉम के पांचवें सेमेस्टर को आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी आपको मेजर कोर्सेज हम बोलते हैं सबको पढ़ना नहीं आता, यानी जितने स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे उनको ये पेपर क्या करना होगा, पढ़ना अनिवार्य होगा। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड पढ़ना अनिवार्य है, गुड्स एंड सर्विस जीएसटी फर्स्ट और जीएसटी सेकंड ये भी पढ़ना क्या अनिवार्य है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए ये मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन सर्विस, मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन सर्विस ये क्या होगा, 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके फाइल बनाने होंगे, फाइल बनाने होंगे कि 60 पेज की आपको फाइल बनाने होंगे। किसी आप कोई सर्वे करेंगे या टॉपिक का क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप 60 पेज की फाइल बनाकर सबमिट करना होगा। बाहर से यानी यूनिवर्सिटी से एग्जाम आएंगे और उसमें आपको 100 मार्क्स का होगा, जितना नंबर आप पाएंगे आपके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। ये रूटीन पेपर से आपको क्या कंपल्सरी था। अब हम आते हैं एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी टू ऑफ द फॉलोइंग यानी आपने इससे पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ा था, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यानी एक पेपर होता था, लेकिन इसमें आपको दो पेपर होना है, या तो बिजनेस फाइनेंस प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एंड मॉनिटरी थ्योरी इन बैंक। आपको ध्यान ये देना है कि ये तीन ऑप्शन है, बस तीन ऑप्शन है, ये बिजनेस फाइनेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस मॉनिटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इंडिया। ये तीनों पेपर में से कोई भी आपको दो पढ़ना है, या तो बिजनेस फाइनेंस और प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस पढ़ सकते हैं, या प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस या मॉनिटरी थ्योरी एंड बैंकिंग, यानी इन तीनों में से आपको कोई दो पेपर पढ़ना है। यदि आप कोई भी दो लेंगे तो उसके दो पेपर, कोई भी दो लेंगे तो उसके दो पेपर होंगे। आप ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मेजर का मतलब होता है कंपल्सरी पेपर, यानी आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड, ये सबके लिए कंपल्सरी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जय भारत।